नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जन भागीदारी से ही जल संरक्षण का प्रयास होगा सफल। राज्यों के जल मंत्रियों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री का संबोधन। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयासों की जरूरत पर जोर। भारत फ्रांस के बीच दिल्ली में 36वीं रणनीतिक वार्ता। वैश्विक मुद्दों समेत व्यापक द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से बातचीत। एनएसए अजीत डोभाल ने भारतीय दल का किया नेतृत्व। विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस बनाने के लिए लेनी होगी यूजीसी से मंजूरी। शुरू में 10 साल के लिए मिलेगी मंजूरी। दाखिला प्रक्रिया फीस ढांचा तय करने की होगी छूट। 8 से 10 जनवरी के बीच इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस। 70 देशों से 3,500 लोगों ने कराया पंजीकरण। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शुभारंभ। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। फिलहाल राहत के आसार नहीं। सड़क, रेल और हवाई यातायात पर कोहरे का असर। कश्मीर घाटी में जारी बर्फबारी से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के अभियानों में लोगों की भागीदारी के महत्व पर जोर डालते हुए कहा है कि अकेले सरकार के प्रयासों से कुछ नहीं हो सकता। राज्यों के जल मंत्रियों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय का विषय होना चाहिए। शहरीकरण की तेज गति को देखते हुए उन्हें पहले से ही इसके लिए योजना तैयार करनी चाहिए। उनकी इस टिप्पणी के कई मायने हैं, क्योंकि दशकों से कई राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर विवाद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत ज्यादा से ज्यादा काम पानी पर होना चाहिए। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में पानी का विषय राज्यों के नियंत्रण में आता है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। ऐसे में वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। साथियों, इस सम्मेलन में होल ऑफ द गवर्नमेंट और होल ऑफ द कंट्री इसके विजन को सामने रखकर चर्चाएं होना बहुत स्वाभाविक और आवश्यक भी है। होल ऑफ गवर्नमेंट का एक पहलू यह भी है कि सभी सरकारें एक सिस्टम की तरह, एक ऑर्गेनिक एंटिटी की तरह काम करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण के अभियानों में जनता को, सामाजिक संगठनों को और सिविल सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा शामिल करना होगा। जल शक्ति मंत्रालय ने भोपाल में जल से जुड़े विषय पर राज्यों के मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया है। राज्यों के मंत्रियों के इस पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का विषय वाटर विजन एट 2047 है। सरकार के अकेले प्रयास से ही सफलता नहीं आती। जो सरकार में है उन्हें इस सोच से बाहर निकलना होगा कि उनके अकेले के प्रयास से अपेक्षित परिणाम मिल जाएंगे। इसलिए जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता जनार्दन को, सामाजिक संगठनों को, सिविल सोसाइटी को भी ज्यादा से ज्यादा हमें जोड़ना होगा, साथ लेना होगा। अब जनभागीदारी की यही सोच हमें जल संरक्षण के लिए जनता के मन में जगानी है। इसके लिए जनता को हम जितना ज्यादा जागरूक करेंगे उतना ही प्रभाव पैदा होगा।
भारत और फ्रांस के बीच दिल्ली में 36वीं रणनीतिक वार्ता हुई। दोनों देशों ने वैश्विक मुद्दों सहित व्यापक द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय दल का नेतृत्व किया। फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोने ने किया। 35वीं भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता पिछले साल नवंबर में पेरिस में हुई थी। The two sides held discussions on a variety of issues, of course, including the current global security situation in the context of the conflict in Ukraine, a regional security in the context of Afghanistan, counter-terrorism, cyber security, defense cooperation in the Indo-Pacific, besides other issues of mutual concern. मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन 8 से 10 जनवरी तक किया जाएगा, जिसमें गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि होंगे। वहीं सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशिष्ट सम्मानित अतिथि होंगे। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का मुख्य विषय प्रवासी भारतीयों की अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी है। 8 जनवरी को युवा प्रवासी दिवस समारोह का आयोजन होगा, जिसका उद्घाटन संबोधन युवा और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे और इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर का विशेष संबोधन होगा। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह का उद्घाटन करेंगे। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगी। इस समारोह में करीब 70 देशों से 3,500 लोगों ने पंजीकरण कराया है। इसमें मॉरिशियस, मलेशिया और पनामा से मंत्री स्तरीय शिष्टमंडल शामिल होगा, जबकि संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, कतर, ओमान, मॉरिशियस से बड़ा शिष्टमंडल हिस्सा लेगा। So we have received enthusiastic response from diaspora for this convention with more than 3,500 registrations from nearly 70 different countries. The formal inauguration of the PBD convention will be done by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji on January 9th. We have Dr. Mohammed Irfan Ali, President of the Cooperative Republic of Guyana, who will be the chief guest, and Mr. Chandrika Prasad Santokhi, President of the Republic of Suriname, will be the special guest of honor. We have ministerial level delegations from Mauritius, Malaysia, Panama, and big delegations of diaspora from several countries, including again Mauritius, UAE, USA, Qatar, and Oman, besides, of course, other countries. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अंडमान निकोबार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पोर्ट ब्लेयर में उन्होंने अंडमान और निकोबार कमान मुख्यालय में तैनात अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने कमांड की परिचालन संबंधी तैयारियों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि अंडमान निकोबार कमान ने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और हमारे समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2001 में स्थापना के बाद से अंडमान निकोबार कमान ने अपनी परिचालन क्षमता में वृद्धि की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि गलवान में हमारे जवानों ने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो भारत, मित्रों मैं कह सकता हूं, आत्मनिर्भरता की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है। पहले बहुत सारे आर्म्स, एमिनिशंस, यह सब जो विदेशों में तैयार होते थे, हम उन्हीं पर आश्रित रहते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प था, कब तक हम दुनिया के दूसरे देशों पर आश्रित रहेंगे, कब तक याचक निगाहों से हम उनकी तरफ देखते रहेंगे। तो आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रभावी तरीके से हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं और मैं कह सकता हूं कि काफी हद तक उसमें हमको कामयाबी भी हासिल हुई है। विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने के लिए यूजीसी से मंजूरी लेनी होगी। प्रारंभ में इन्हें 10 साल के लिए मंजूरी दी जाएगी और उन्हें दाखिला प्रक्रिया, फीस ढांचा तय करने की छूट होगी। यूरोप के कुछ देशों के विश्वविद्यालयों ने भारत में परिसर स्थापित करने में रुचि दिखाई है। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि भारत में परिसर स्थापित करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को अपनी खुद की प्रवेश प्रक्रिया तैयार करने की छूट होगी। ये संस्थान फीस ढांचा तय कर सकते हैं। चूंकि विदेशी विश्वविद्यालय भारत सरकार से वित्त पोषित संस्थान नहीं है, ऐसे में उनकी दाखिला प्रक्रिया,
फीस ढांचे के निर्धारण में यूजीसी की भूमिका नहीं होगी। विदेशी विश्वविद्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके भारतीय परिसरों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता उनके मुख्य परिसर में दी जाने वाली शिक्षा के समान ही गुणवत्तापूर्ण हो। विदेश से कोष का आदान प्रदान विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत होगा। भारत में परिसर स्थापित करने वाले विदेशी विश्वविद्यालय केवल परिसर में प्रत्यक्ष कक्षाओं के लिए पूर्णकालिक कार्यक्रम पेश कर सकते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया और छात्रों की जरूरतों का आकलन करने के बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था हो सकती है, जैसा कि विदेशों में विश्वविद्यालयों में होता आया है। त्रिपुरा के धर्मनगर में बीजेपी की रथ यात्रा को आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। इसे बीजेपी ने जन विश्वास यात्रा का नाम दिया है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीजेपी की इस रथ यात्रा का समापन 12 जनवरी को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में होगा। जनता का भरोसा जीता जा सकता है। मुझे याद है 2018 में मैं पहली बार त्रिपुरा आया, मेरी बहुत बड़ी सभा हुई थी और उसमें 11 लोग उपस्थित थे। कितनी बड़ी सभा हुई थी? 11 लोग उपस्थित थे, मगर हमने तय किया था त्रिपुरा को एक कम्युनिस्टों के कुशासन से मुक्ति दिलाएंगे। हमने तय किया था कि कम्युनिस्टों के शासन को उखाड़ कर फेंक देंगे, और मैंने ही नारा दिया था चलो पलटाई, और त्रिपुरा की झंडा का हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर ऋण रहेगा। चलो पलटाई के नारे को आपने सार्थक किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के बूंदी में 2 दिवसीय कौशल महोत्सव को संबोधित किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज अपने कौशल और नवाचार के बल पर भारत का नौजवान पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया की बड़ी कंपनियों ने भारतीय नौजवानों की बौद्धिक क्षमता का लोहा माना है और भारत का युवा दुनिया की हर चुनौती का समाधान निकालने में सक्षम है। लोकसभा अध्यक्ष ने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए उम्मीद जताई कि आने वाले समय में देश का नौजवान नौकरी देने वाला बने। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए सभी को सामूहिक रूप से मिलकर काम करने की आवश्यकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत का युवा न सिर्फ दुनिया के सभी विकसित देशों में भारत का नेतृत्व कर रहा है, बल्कि दूसरों को रोजगार भी प्रदान कर रहा है। जितनी हमारी विशालता है, जितनी हमारी विविधता है, जितना हमारा लोकतंत्र है, उतना ही बौद्धिक क्षमता से, कौशल से, इनोवेशन से, रिसर्च के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर भारत का नौजवान दुनिया के अंदर नेतृत्व कर रहा है। हमारे भारत के नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनकी कार्यकुशलता अद्भुत है, और इसीलिए आज भारत के अंदर भी और दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर भी कोई भी चुनौती आती है, कोई भी आपदा आती है, कोई भी संकट आता है, या देश के लिए उनको कार्य संचालन में सुविधा और कुशलता है, उसके लिए अगर हर चुनौतियों का समाधान निकालने में सक्षम है तो यह भारत का नौजवान है। और अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सैन्य इंजीनियर सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात के दौरान कहा कि रक्षा बलों में योद्धक भूमिका से लेकर चिकित्सा सेवा तक महिला सशक्तिकरण को काफी बढ़ावा दिया गया है।
माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्या नडेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और वादा किया कि डिजिटल इंडिया की संकल्पना को साकार करने में कंपनी देश की मदद करेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे की प्रगति का निरीक्षण किया, जो 16,730 करोड़ रुपए की लागत से 262 किलोमीटर में तैयार 8 लेन का लेआउट है। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को सम्मेद शिखरजी पर्वत क्षेत्र से संबंधित इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना के क्लॉज 3 के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जैन समुदाय के लोगों से मुलाकात के बाद ये निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख तय की है। घरेलू शेयर बाजारों में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स 304 अंक की गिरावट के साथ 60,353 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 51 अंक की गिरावट के साथ 17,992 अंक पर बंद हुआ। देश में वाहनों की खुदरा बिक्री 2022 में 15.28% बढ़कर 2,11,20,441 इकाई पर पहुंच गई है। इसमें यात्री वाहनों और ट्रैक्टर की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। देश में 24 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच कोविड-19 संक्रमित पाए गए 124 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में ओमिक्रॉन के 11 उपस्वरूप पाए गए हैं और ये सभी स्वरूप यहाँ पहले से मौजूद हैं। यूरोपीय संघ ने अपने सदस्य देशों से जोर देकर कहा है कि वे चीन से आने वाले यात्रियों के लिए विमान में सवार होने से पहले कोविड जांच अनिवार्य करने का नियम बनाएं। जो बाइडेन प्रशासन ने H-1B वीजा के लिए शुल्क में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है। प्रकाशित नियम के तहत H-1B वीजा के लिए आवेदन शुल्क $460 से बढ़ाकर $780 और AL-1 के लिए $460 से बढ़ाकर $1,385 करने का प्रस्ताव है। और आज की खबर में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक दुनिया का सबसे लंबा क्रूज पर्यटन होगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के शामली से एक बार फिर शुरू हुई। घने कोहरे और ठिठुरन भरी सर्दी के बीच इस यात्रा में जनसमूह की व्यापक भागीदारी देखने को मिली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 5 बार के विधायक कुलदीप सिंह पठानिया को ध्वनिमत के जरिए सर्वसम्मति से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में बैंकों के अधिकारियों के साथ यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन पर इंटरैक्टिव सत्र की अध्यक्षता की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज वाल्मीकि नगर के समाधान यात्रा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री के इस यात्रा का पहला चरण 29 जनवरी तक चलेगा। इसमें वो 18 जिलों की यात्रा करेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप जीतने पर भारतीय टीम के हर खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है।
पणजी स्थित मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज सुबह पहली यात्री उड़ान उतरी। इसके साथ ही गोवा में नवनिर्मित हवाई अड्डे का औपचारिक क्रियान्वयन शुरू हो गया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि यह राज्य और केंद्र सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है। दिल्ली के कंजावला मामले में दिल्ली की अदालत ने 5 आरोपियों को 4 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में जांच में 18 टीमें जुटी हैं। आरोपियों ने पूछताछ में 2 अन्य आरोपियों का नाम का खुलासा किया है, जिनकी तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 1 महीने तक चलने वाले माघ मेले में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। मेले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप जारी है, जबकि घने कोहरे के चलते रेल परिचालन भारी तरीके से प्रभावित हुआ है। दिल्ली में जबरदस्त शीतलहर के चलते मौसम की सबसे सर्द सुबह दर्ज की गई, जब पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। ये बीते 2 वर्षों में जनवरी में दिल्ली में दर्ज सबसे न्यूनतम तापमान भी है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली NCR के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पंजाब हरियाणा में पिछले कई दिनों से भीषण ठंड का दौर लगातार जारी है। आज भी कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहा। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब में गुरदासपुर सर्वाधिक ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बठिंडा में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस, लुधियाना में 5.7 और पटियाला में 5 डिग्री सेल्सियस रहा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में हिसार सर्वाधिक ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भिवानी में न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस, करनाल में 6 डिग्री सेल्सियस और रोहतक में 5.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। लगभग पूरे राजस्थान में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। चूरू और सीकर जिले में न्यूनतम तापमान लगातार 3rd दिन 0 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक सर्दी का ये सितम अभी 2 दिन और जारी रहेगा। इसके अलावा राज्य के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। इसी तरह दिन का तापमान भी सामान्य से कम बना हुआ है। राजस्थान के ज्यादातर स्थानों में शीतलहर और अति शीतलहर जारी है। यह क्रम अगले 2 दिन तक जारी रहेगा। वहीं 8 जनवरी से तापमान में बढ़ोतरी होने और शीतलहर से कुछ राहत मिलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और कुछ दूसरे स्थानों पर इस मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई और घाटी में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से कई डिग्री नीचे चला गया। श्रीनगर में बीती रात न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछली रात 0 से 5.2 डिग्री सेल्सियस नीचे था। यह इस मौसम की सबसे ठंडी रात थी। इसके अलावा श्रीनगर में दर्ज यह तापमान पिछले 5 साल में जनवरी के महीने में दूसरी बार सबसे कम तापमान था। इससे पहले 2021 में 31 जनवरी को शहर का न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में 561 घरों में दरारें आ गई हैं। मारवाड़ी के JP कॉलोनी में भूमिगत पानी का रिसाव हो रहा है, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राज्य के चमोली जिले में बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के रास्ते में आने वाला जोशीमठ समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और भूकंप के अत्यधिक जोखिम वाले जोन 5 में आता है। अब तक शहर के विभिन्न इलाकों में 561 मकानों में दरारें आ चुकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोशीमठ में स्थिति पर करीब से नजर रखी जा रही है और वह हालात का जायजा लेने स्वयं वहां जाएंगे। भूकंप के अत्यधिक जोखिम वाले जोन 5 में आने वाले शहर का सर्वे करने के लिए विशेषज्ञों का एक दल भी गठित किया गया है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। रिपब्लिकन पार्टी के केविन मैककार्थी को प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष चुने जाने के लिए आज भी मतदान हुआ, लेकिन केविन को उसमें सफलता नहीं मिली और पार्टी के सदस्य अफरा तफरी के इस माहौल को समाप्त करने के लिए कोई नई रणनीति बनाने में भी नाकाम रहे। केविन को 4th, 5th और 6th चरण के मतदान में भी पर्याप्त संख्या बल नहीं मिला, लेकिन वह हार मानने के लिए तैयार नहीं है। केविन को जीत के लिए 218 वोट चाहिए, लेकिन उन्हें 216 से 214 ही मत मिल सके।
100 वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है जब पहले चरण के मतदान में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका। Embarrassing for the country. I mean, literally, I'm not making a part of this. Reality is that, you know, to be able to have a Congress that can't function is just embarrassing. We're the greatest nation in the world. How can that be? वहीं चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों में बिस्तरों की कमी हो गई है। शहर के पूर्वी इलाकों में स्थित चुईयांगलू अस्पताल नए मरीजों से भरा हुआ था। चीन के अस्पतालों में मरीजों की ये बाढ़ दरअसल करीब 3 सालों से चल रही उसकी शून्य कोविड नीति के तहत लागू पाबंदियों को हटाने के बाद आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेयस ने कहा कि समूचे चीन में कोरोना वायरस के विस्फोटक प्रसार और सरकार के आंकड़ों की कमी के बीच एजेंसी चीन में लोगों को जीवन के लिए मौजूदा खतरे को लेकर चिंतित है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं मणिपुर में चल रहे राज्य स्तरीय गान नगाई महोत्सव की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। Thank you.